2 फरवरी वर्ष 1889 में राजकुमारी अमृत कौर का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। अमृत कौर भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह भारत की राजनेता और स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री रहीं। वह महात्मा गांधी की अनुयायी और लंबे समय तक उनकी सचिव रहीं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौर ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी पहली अध्यक्ष बनी। 2 फरवरी वर्ष 1943 में सोवियत सरकार ने दक्षिणी रूस के स्टालिनग्राड पर जर्मन सेना के समर्पण की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही स्टालिनग्राड के लिए 5 महीनों से जारी भीषण लड़ाई खत्म हो गई। इस लड़ाई को अब तक के सबसे भयानक युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। इस लड़ाई में 2 दिन के भीतर 45,000 जर्मन सैनिकों को बंदी बनाया गया। इस तरह पकड़े गए कुल जर्मन सैनिकों की संख्या 90,000 से ज्यादा हो गई। -30 डिग्री तापमान वाले युद्ध क्षेत्र में महीनों से लड़ रहे इन सैनिकों की दशा भूख से दयनीय हो गई। जर्मनी के शासक हिटलर के लिए ये बहुत बड़ी पराजय साबित हुई।